बारिश का मौसम आ चुका है और इस बारिश में भाई बचने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, छाता चाहिए होता है। हमने वीडियो बना दी और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारे रेनकोट्स। पहला प्रोडक्ट आगे हमारे पास है, ब्रांड का नाम है केचुआ, जो कि आता है डिकैथलॉन की तरफ से। साइड में आपको केचुआ की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एम और एल यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब है कि एल वालों को भी ये खरीदना है, एम वालों को भी यही खरीदना है। लेकिन मस्त बात क्या है ना कि ये जो पाउच आप देख रहे हो ना, ये पाउच नहीं बल्कि एक पॉकेट है और उस पॉकेट में ही पूरा रेनकोट घुसा हुआ है। फटाफट निकालते हैं अंदर से और ये पॉकेट को भाई अंदर डाल दो, अब ये साइड का पॉकेट बन गया। जिप बंद कर देते हैं, कुछ घुस ना जाए। जैकेट का कलर पूरा ब्लैक है, कहीं भी आपको कोई प्रिंटिंग देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल बेसिक रेनकोट है और जितना बेसिक रेनकोट रखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। ज्यादा तीन पार जुगनू उगनू करोगे तो ना चाहते हुए भी बगल के चाचा स्कूटी से ना फचाक मार के जाएंगे। ऊपर में आपको एक हुड देखने को मिल जाएगा, साइड में आपको केचुआ की ब्रांडिंग मिल जाएगी। हुड के साइड साइड में आपको ड्रॉस्ट्रिंग देखने को मिलेगी, जिस फुल स्लीव आपको देखने को मिलता है और एंड में आपको कफ देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक लास्टिक होता है जिसके आपके रिस्ट के पास में अच्छी सी पकड़ बन जाती है ताकि पानी अंदर तक ना घुस सके। नीचे की तरफ आपको लास्टिक वाली डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी और जितना चाहो खींच खींच कर इसे टाइट कर सकते हो। चेस्ट पे आपको एक हाफ जिप देखने को मिलता है जिसमें भी ऑरेंज कलर का चेन यूज किया गया है। जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और एक सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी ना इस रेन जैकेट की, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, लिटरली हवे जैसा लगता है। तो अगर आपको एक सिंपल छोटू पोर्टेबल सा रेन जैकेट चाहिए, डेफिनेटली इसके लिए जा सकती हो। ये आपको डिकैथलॉन की वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा और अगर आपके शहर में डिकैथलॉन का स्टोर है वहां पर भी मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, एक और बहुत खूबसूरत ब्रांड वाइल्ड क्राफ्ट। वाइल्ड क्राफ्ट आपको टैग मिल जाएगा और यहाँ पर इसकी एमआरपी लिखी हुई है 1499 रुपए। कितना पे करना वो सारी चीजें तो आपको पता चली जाएगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। यहाँ पर भी आपको हैंगिंग जुगाड़ देखने को मिलेगा, बेल बार की तरफ भी आपको वाइल्ड क्राफ्ट का डब्लू यानी इसका लोगो देखने को मिल जाएगा। और पहले देखते हैं कि फूफा जी को शादी में क्या मिला, एक जोड़ी कपड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके पैंट की बात करें ना, एक बहुत सिंपल ब्लैक कलर का पैंट है। देखो मोस्टली जितने भी आप रेनकोट्स खरीदोगे ना, प्रॉपर ब्लैक, नेवी ब्लू, ये सारे कलर्स खरीदोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा और ऐसे खरीदना चाहिए। पैंट आपको पूरा पॉलिस्टर का देखने को मिल जाएगा। रेनकोट के किसी भी पैंट में आपको पॉकेट नहीं मिलता, तो इसमें भी आपको नहीं मिलता। वेस्ट के इलास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है। नीचे की तरफ आपको बहुत चौड़ा सा ऐसा करके स्पेस देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर अपना पैंट भी आना होता है और जब भी अचानक से बारिश होती है तो जूते के साथ ही इस पैंट को पहनना होता है, तो ये वाइड लेग ना बहुत जरूरी है। हालांकि अच्छी बात क्या है कि इसके नीचे ना वेलक्रो टेप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसको और चाहे तो नैरो कर सकते हो। लेफ्ट साइड में यहाँ पर भी आपको वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दैट्स इट, यही है। अगर इसके जैकेट को देखें तो ये भी ब्लैक कलर का पूरा जैकेट है। साइड साइड में इसमें आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत स्मार्टली डिजाइन किए गए हैं, अपसाइड डाउन है। एंड ऊपर में आपको एक ना कवरिंग फ्लैप जैसा मिलता है जिसके बीच में आपको बड़ा सा वेलक्रो देखने को मिलेगा और उसके अंदर में आपको पॉकेट मिलता है। अच्छी खासी स्पेसिंग है और डेफिनेटली पानी अंदर अंदर नहीं जाने वाला। साइड में आपको वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये हमने लिया है एल साइज। लेफ्ट चेस्ट पे भी आपको यहाँ पर डब्ल्यू यानी वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग मिलती है। बीच में आपको एक चौड़ा सा पट्टा देखने को मिलेगा जो कि ऊपर से या फ्रंट से आ रहे वाटर को दूर रखता है, अंदर घुसने नहीं देता, छाती नहीं ठंडा करने देता। यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा वेलक्रो टेप, बीच में आपको जिप मिलता है। जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। टॉप को भी कवर करने के लिए ना एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर अटैच किया गया है। अंदर की तरफ भी एक छोटू सा एक्स्ट्रा पॉकेट यहाँ पर डिजाइन किया गया है, तो अगर आपको एकदम फुल्ली सिक्योर करना है अपना फोन तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो प्रॉपर। इसमें हुड भी मिल जाएगा, पीछे की तरफ आपको व्हाइट कलर की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी, नीचे की तरफ आपको लास्टिक वाली डिटेलिंग मिलती है ताकि आपके कमर को अच्छे से पकड़ ले। ड्रॉ स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड दैट्स इट। जाना चाहो जा सकते हो, फिटिंग वीटिंग इसकी अच्छी थी। नेक्स्ट वापस से हम देख रहे हैं और खूबसूरत वाइल्ड क्राफ्ट का प्रोडक्ट और इस बार रेनकोट नहीं बल्कि है पोंचो। अगर आपको नहीं पता पोंचो, मैं आपको बताता हूँ। वैसे यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेलिंग तो नहीं मिलती है, रेन पोंचो यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे अगर इस पोंचो को देखोगे ना, एक्चुअल में भाई ये मच मच प्रीमियम फील हो रहा है पिछले वाले वाइल्ड क्राफ्ट के रेनकोट से। पूरा टेवल कवर हो गया भाई, ब्लैक ब्लैक। लेफ्ट चेस्ट पे आपको डब्ल्यू यानी वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सेम आपको हुड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अंदर की तरफ ना हल्का सिल्वर सिल्वर जैसा है। ड्रॉ स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे लास्टिक वाले जिसको आप लॉक भी कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर साइड में आपको मेटल के आईलेट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर इसके स्लीव्स की बात करें ना, तो बहुत बड़े इसके स्लीव्स होते हैं और ऐसे बने होते हैं ना कि पूरे एक साइड से खुल जाएंगे या चाहो तो दोनों तरफ से पूरे खुल जाते हैं। साइड में आपको वाइल्ड क्राफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इतना बड़ा जो आप पीस देख रहे हो ना, ये है एम साइज। मुझे देखो पर्सनली पोंचोस बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जब भी रेन होता है ना अचानक से, रोड में उतर के पैंट पहनो, शर्ट पहनो, कोट डालो, बहुत लफड़ा होता है भाई। पोंचो की खास बात क्या है ना, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है पहनने के लिए। बस ऐसे करके खोला, सर में
में डाला और पूरा ओवरऑल आप कवर हो जाते हो। एक प्रॉपर तगड़ा जुगाड़ है। लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि लुक वाइज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हाथ ऐसे ऐसे करके हिलाओगे तो ऐसा लगता कौवा नाच रहा है, लेकिन भाई ब्रीदेबल है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी आपको पहनने के बाद। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक और खूबसूरत सा जैकेट जो कि आता है भाई डीकैथलॉन की तरफ से, और ये इस वीडियो का सबसे प्रीमियम जैकेट है। प्राइस इसकी है अराउंड 2500 रुपए। इसकी क्वालिटी में ना सच में दम है। नेवी ब्लू कलर का पूरा जैकेट है। इसके मल्टीपल कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे साइड पे। फ्रंट में आपको एक बहुत बड़ा सा चेन देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। साइड साइड में आपको ना व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी जो कि बेसिकली चैन का ही जो साइड वाला कपड़ा होता है ना वो है। सेम वही डिजाइनिंग आपको साइड साइड में भी देखने को मिल जाएगी। एक्चुअल में भाई इसमें साइड में पॉकेट्स दिए गए हैं। पता नहीं ये वाटर कितना रोक पाएंगे, लेकिन हाँ पॉकेट तो है। पॉकेट की डेप्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। नीचे में स्टिचिंग से थोड़ी सी डिजाइनिंग बनाई गई है। प्रॉपर आपको एक बड़ा सा हुड देखने को मिलेगा। फ्रंट में कैप जैसी डिजाइनिंग, और इसके भी साइड साइड में आपको व्हाइट कलर का बॉर्डर देखने को मिलता है जो कि ओवरऑल इसके लुक को एनहांस करता है। साइड में आपको ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, और इसका जो नेक है ना हाई नेक है, यानी पूरा आपका गला वाला सब कवर कर जाएगा। एंड में आपको हल्की सी ना इलास्टिक देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंड पे आपको थोड़ी सी प्रिंटिंग और डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। बैक साइड अगर देखोगे ना तो पूरा प्लेन रखा गया है। अंदर अगर आप देखोगे ना प्रॉपर ट्रैक सूट जैसा ना नेट का काम मिलता है। ये नेट होने से जब भी आप इसे पहनोगे ना आपके स्किन को बड़ी ना कंफर्टेबल फील होगा। अंदर की तरफ आपको एक बहुत बड़ा सा पॉकेट देखने को मिल जाएगा साइड में, जो कि अच्छी बात है, फोन रखने के लिए बनाया गया है। फिर भी मुझे लगा कि भाई किस चीज का 2500 रुपए ले रहे हैं, सारे जैकेट तो पानी रोकते हैं। लेकिन भाई इसका जो फैब्रिक है पॉलिएस्टर तो है, लेकिन जब भी पानी इसमें गिरता है ना एक एक बूंद सरक के गिर जाता है भाई। इतना जबरदस्त चीज है और जरा सा भी नहीं भीगता। इसकी फिटिंग, इसको पहनने के बाद जो लुक आता है वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश आता है। अदर रेनकोट्स की तरह नहीं, ऐसा झोला झोला जैसा इसके लिए जा सकते हो। एक काम करते हैं पहन ही लेते हैं भाई। अगर आपको सिर्फ रेन पैंट खरीदना है डीकैथलॉन से, आप वो भी खरीद सकते हो। सिंपल सा आपको पैंट देखने को मिल जाएगा। डीकैथलॉन का आपको टैग मिलता है और यहाँ पर इसकी प्राइसिंग है 1199 रुपए। लेकिन डेफिनेटली आपको डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। इसमें भी खास बात क्या है, बहुत ज्यादा लाइट मटेरियल है। अदर जितने भी रेनकोट्स होते हैं ना बड़ी मोटे प्लास्टिक से बने होते हैं, अंदर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उसको पहनने के बाद, लेकिन सच में ये भाई अलग दिखता है। इसमें भी आपको साइड में कोई पॉकेट नहीं मिलता। अंदर की तरफ आपको ड्रॉ स्ट्रिंग देखने को मिल जाएंगे ऑरेंज कलर के। नीचे की तरफ आपको हल्की सी इलास्टिक मिलती है, लेकिन साइड में देखोगे ना तो प्रॉपर इसमें चेन दिया गया है ताकि आप जूते वूते के साथ आराम से पहन सको, या जूता पहना हुआ भी आपने तो इजिली इसे खोल सको। क्या मस्त लुक आता है, ऐसा लगता ना कि कोई एकदम मस्त प्रॉपर सिलाया हुआ ट्राउजर मैंने पहना है। ये बात तो है कि डीकैथलॉन के जितने भी प्रोडक्ट्स हमने देखे ना इस वीडियो में सारे जबरदस्त है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वाले ब्रांड का नाम है बाय द क्लोन फिश। अगर आप किसी भी साइट में जाकर रेनकोट सर्च करोगे ना, ये ब्रांड हर जगह टपकना ही टपकना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द पैकेजिंग। किसी को भी दिखा दोगे ना तो ऐसा लगेगा इंडिया गेट का एकदम बासमती राइस आपने खरीद के लाया है। वैसे अंदर के अगर प्रोडक्ट को देखे तो यहाँ पर आपको पूरा सेट मिलने वाला है। पैंट की अगर बात करें तो इलास्टिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। साइड साइड में आपको कोई पॉकेट नहीं देखने को मिलता, और कहीं भी आपको एक्स्ट्रा ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इसे हाथों में पकड़ोगे आपको एक चीज क्या फील होगी कि ये पैंट बहुत ज्यादा हेवी है। क्यों हेवी है? क्योंकि इसे भाई ड्यूअल लेयरिंग पे बनाया गया है, यानी दो तरह की आपको लेयरिंग देखने को मिलती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स हेवी। दूसरी तरफ अगर इसके जैकेट को देखोगे तो यहाँ पर भी आपको डबल लेयरिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको एक बड़ा सा फ्लैप मिलेगा जिसके अंदर में आपको हल्का हल्का सिल्वर देखने को मिलता है। ऊपर में सिल्वर कलर के बटन्स देखने को मिलते हैं, और हर बटन पे द क्लाउन फिश की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। साइड की तरफ आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएगी जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पानी अंदर ना घुस सके। डेप्थ की बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा और इसे बड़ा किया जा सकता था। लेफ्ट चेस्ट पे आपको द क्लाउन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बटन टकाटक खोलने के बाद अंदर आपको दिखेगा एक मस्त सा प्लास्टिक का चेन जिसके अंदर में आपको वही ड्यूअल लेयरिंग देखने को मिलेगी। और ये प्रॉपर ड्यूअल लेयरिंग आप चेक कर सकते हो भाई, ये हो गया एक लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर। ड्रॉ स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर एक हुड देखने को मिलता है जिसके फ्रंट में कैप जैसा हुड भी बनाया गया है। ऑब्वियसली इसमें भी फुल स्लीव है। क्लोजर के लिए यहाँ पर आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये इकलौता जैकेट है ना जिसके बैक में आपको रिफ्लेक्टिव मटेरियल का काम मिलता है। देखो जब भी बारिश होती है ना हल्का सा जो विजन होता है ना वो धुंधला हो जाता है, और अगर आप बाइक चला रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो वहां पर अगर आप दूर से ही रिफ्लेक्ट कर जाओ या अगले को पता चल जाए कि हाँ कोई जा रहा है तो ज्यादा अच्छी चीज है। साथ ही एक चीज मुझे और क्या अच्छी लगी, जब मैंने इसे पहना हल्का सा ये जो फ्लैप खुलता है ना नेवी ब्लू के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त लगता है। अंदर की तरफ आपको फोन के लिए एक पॉकेट देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल भाई जैकेट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। थोड़ी मोड़ी कमियों की बात करें तो कमियां वैसी नहीं है, लेकिन हाँ डबल लेयरिंग के कारण ना बहुत ज्यादा हेवी ड्यूटी हो जाता है ये। ऑलराइट गाइस, द लास्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में। एंड होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हम आपके सारे डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको बता दूं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इस वक्त चल रही भाई अमेज़न की प्राइम डे सेल, जहां पर हम अपने टेलीग्राम में खतरनाक सीक्रेट डेप्थ डील्स आपको बता रहे हैं। तो अगर आपने अब तक टेलीग्राम में हमें फॉलो नहीं किया, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक ना खुले तो टेलीग्राम में बस जाकर सर्च करो वन चांस ईजी। इसमें भी आपको सेम वर्ल्ड क्राफ्ट जैसा बड़ा सा पाउच देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ना अदर ब्रांड्स को भी चेक करना चाहिए जिनका कोई नाम नहीं है। मे बी नाम ना
ना हो लेकिन काम अच्छा हो। ये भी एक रेन कोट का सेट है। पैंट की बात करें, डार्क नेवी ब्लू कलर का आपको पैंट देखने को मिल जाएगा, पूरा पॉलिएस्टर का बना हुआ है। वेस्ट के इलास्टिक की क्वालिटी थोड़ी सी टाइट है लेकिन हाँ अच्छी है, थोड़ा टाइट होना भी जरूरी भाई ताकि पानी सरक के आपके कमर से आपके छोड़ो हटाओ। साइड इसमें भी आपको कोई पॉकेट देखने को नहीं मिलता और इसमें भी आपको वही डुअल लेयरिंग वाली डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी जैसा सेम द क्लाउन फिश में है। अगर इसके जैकेट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें ना सिमिलर देखने को मिलेगी। प्रॉपर आपको एक हुड देखने को मिलता है जहाँ पर फ्रंट में ट्रांसपेरेंट कलर का ना सेट दिया गया है। साइड में वो कमिसोन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको एक बड़ा सा फ्लैप मिलता है जिसके साइड साइड में आपको आई थिंक ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल दिया गया है। तब तब खोलने के बाद सबसे जो गंदी चीज मुझे क्या लगी ना इसमें, वो लगी इसकी चेन की क्वालिटी। सस्ती सी बड़ी सी कपड़े वाली चेन इसमें डाली गई है क्योंकि बिल्कुल सूट ही नहीं कर रही इसके ओवरऑल लुक पे। साइड में आपको सेम पॉकेट देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ आपको सेम जैसा क्लाउन फिश में पॉकेट था वो भी देखने को मिल जाएगा। स्लीव्स में भी आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज मिल रही है ना वो मिल रही है इसके बैक में, एग्जैक्ट सेम द क्लाउन फिश जैसा यहाँ पर रिफ्लेक्टिव मटेरियल दिया गया। और जैसा क्लाउन फिश में दो बार ब्रांडिंग था इसमें भी दो बार ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी जूम जूम की। मतलब सीधी सी बात यही है, कोई एक मैन्युफैक्चरर है जिसके थ्रू ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स का ठप्पा लगवा लगवा कर मार्केट में सप्लाई कर रही है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। देखो मुझे पता नहीं था इसलिए ये ऐसा हो गया। हैवी से हैवी रेन में आप बच जाओगे लेकिन गर्मी अंदर में ना बहुत लगती है, तो ऊपर से भींगो या ना भींगो अंदर से तो भींगना ही निश्चित है। एंड दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर यू वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई बहुत सारे रेन में सेल चलने वाले हैं तो मेक श्योर कि हमें टेलीग्राम में फॉलो कर ले, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।